हेलो चिल्ड्रन इन दिस वीडियो वी विल डू रिलेशनल डेटा मॉडल रिलेशनल डेटा मॉडल को रिलेशनल डेटा बेस मॉडल भी कहा जाता है ओके रिलेशनल मॉडल वॉज प्रपोज बाई ई एफ कोड ऑफ आई बी एम नेशनल मॉडल को ई एफ कोड ने प्रपोज किया था उसका सजेशन दिया था ओके रिलेशनल मॉडल बताता है इट टेल्स अस हाउ वी कैन स्टोर डेटा इन अ डेटा बेस हम डेटा बेस के अंदर कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हैं ओके एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल डेटा मॉडल इससे पहले भी और डेटा मॉडल्स आए थे लाइक हिरारिकल डेटा मॉडल नेटवर्क डेटा मॉडल बट दे वर हैविंग सम ड्रॉबैक्स ओके सो अ डेज वी आर फॉलोइंग रिलेशनल डेटा मॉडल टू स्टोर डेटा इन द डेटा बेस राइट ओके इन रिलेशनल डेटा डेटा मॉडल इज़ लेर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ़ टेबल्स रिलेशनल डेटा मॉडल के अकॉर्डिंग रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं ओके ओके रिलेशनल डेटा मॉडल क्या सजेस्ट करता है कि डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स की डेटा में आप डेटा uh, को किस फॉर्म में स्टोर कर करते हो किस फॉर्म में स्टोर करोगे टेबल्स की फॉर्म में ओके okay? और टेबल्स टेबल्स कैसे बनते हैं आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओके आर द रोज हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स राइट दीज टेबल्स आर कॉल रिलेशंस ओके और इन टेबल्स को क्या कहा जाता है रिलेशंस टेबल को रिलेशंस क्यों कहा जाता है क्योंकि ऑल द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस आर रिलेटेड टू ईच अदर ओके देखो द टेबल्स और रिलेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर ओके जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट डेटा बना रहे हैं तो स्टूडेंट डेटाबेस में आप जितनी भी टेबल्स स्टोर करोगे वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स उस सब के अंदर स्टूडेंट्स की डिटेल्स होंगे राइट तो ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डेटा बेस डेट्स वेबल्स आर कॉर्ड एज रिलेशन ओके टेबल्स को इसलिए रिलेशन कहा जाता है राइट रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी रिलेशनल मॉडल में जो जो टर्म्स यूज होते हैं वी आर गोइंग टू सी देम ओके सो द फर्स्ट टर्म इज एंटिटी सबसे पहले जो टर्म रिलेशनल मॉडल में यूज होती है वो है एंटिटी राइट नो व्हाट इज एंटिटी एन एंटिटी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन एंटिटी वो चीज़ है जो प्रेजेंट है जो एग्जिस्ट करती है और जिस जिसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं ओके अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन जिसकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट एंटिटी स्टूडेंट एंडटिटी स्टूडेंट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट फादर्स नेम मदर्स नेम फी डिटेल एंड ऑल सो मैनी डिटेल्स राइट एम्प्लाई एंटिटी आप एम्प्लायीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो एम्प्लाई आई डी एम्प्लाई डेजिगनेशन एम्प्लायज सैलरी एंड सो ऑन आइटम एंटिटी आप आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो आइटम प्राइस आइटम सेल एंड परचेज एक्सेक्ट्रा राइट एंटिटी बिकम्स नेम ऑफ द टेबल तो जो एंटिटी होती है उससे ही रिलेटेड हम टेबल का नेम रखते हैं जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट का डेटा है तो हमने टेबल का नेम क्या यहाँ पे आ, आ, रखा है स्टूडेंट रिलेशन राइट फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल राइट नो नेक्स्ट वी हैव एट्रीब्यूट्स Now what are attributes? Okay, columns in a table are called attributes or field. Table के अंदर जो columns होते हैं, okay, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं attributes और field, right? The values in each column are of same type, same data type. अब attribute एट, की क्या quality है, क्या characteristics है? एक particular column में same data type की value store करोगे आप, हाँ, right? मतलब एक एट्रीब्यूट क्या करता है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है लाइक स्टूडेंट आईडी है स्टूडेंट आईडी में क्या है सारे नंबर्स हैं देन वी हैव द नेम नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या है uh, आपके स्ट्रिंग वैल्यूज हैं कैरेक्टर्स हैं फोन फोन के अंदर अगेन नंबर्स हैं डीओबी देन आपका डेट डेटा टाइप इसमें यूज हुआ है फाइन ओके okay. तो जो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है वो वन वन टाइप टाइप डेटा की वैल्यू स्टोर कर सकता है आप फोन जैसे आप एग्जांपल लो फोन के अंदर ये तो नहीं है आपने फर्स्ट uh, जो इसका कॉलम है उसके अंदर आपने नंबर्स कर दिए फिर सेकंड में आपने क्या किया करेक्टर्स डाल दिए ए बी सी डी नो इट विल नॉट लेट यू एंटर द ए बी सी डी राइट ओके फॉर एग्जाम्पल हे स्टूडेंट रिलेशन कंसिस्ट ऑफ फोर फील्ड और एटीब्यूट स्टूडेंट आई डी नेम फोन नंबर एनडीओ बी अभी बता रहा है कि यहाँ पे जो टेबल है स्टूडेंट रिलेशन हमारे पास है स्टूडेंट रिलेशन मीन स्टूडेंट टेबल ओके उसके अंदर फोर एट्रीब्यूट है यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम एंड ओके तो इसके यहां पे फोर एट्रीब्यूट है ओके okay? तो यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं टेबल्स के कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं फील्ड्स भी बोल सकते हो आप और कॉलम्स भी बोल सकते हो राइट सो इट हैज थ्री नेम्स ओके एंड दे आर वर्टिकल ऑलवेज रिमेंबर कॉलम्स आर वर्टिकल एंड दे कंटेन डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप एक पर्टिकुलर कॉलम में सेम डेटा टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे फाइन नाउ वी हैव टपल ओके ईच रो इन टेबल इज नोन एज टपल टेबल के अंदर जो रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं टपल बोलते हैं ओके कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और रोज को क्या कहते हैं टपल राइट इट इज आल्सो कॉल्ड अ रो और रिकॉर्ड ओके और हम टपल को रो भी बोल सकते हैं और रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं राइट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा और एक रिकॉर्ड क्या करता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड है ये आपका रिकॉर्ड 1 है इसके अंदर मेट का रिकॉर्ड एंड नेम ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट इज मेट एंड स्टूडेंट आईडी ऑफ मेट इज दिस फोन नंबर इज दिस डीओबी तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया कंप्लीट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट हो गया मेट का ओके ओके फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट टेबल हैज फोर रिकॉर्ड्स तो ये बता रहा है यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं फोर रिकॉर्ड्स हैं राइट ओके तो इट हैज फोर एट्रीब्यूट्स दिस स्टूडेंट रिलेशन हैज फोर एट्रीब्यूट्स एंड फोर फोर रिकॉर्ड्स और टपल्स राइट right? और फोर टपल्स फाइन कार्डिनिटी Cardinal, क्या होता है मतलब table की कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन टेबल के अंदर जितने टपल्स होते हैं ओके okay, उसको क्या कहा जाता है उसको टेबल की कार्डिनलिटी कहा जाता है ओके एंड वी नो इट वेरी वेल के टेबल uh, को रिलेशन कहा जाता है राइट right? एग्जाम्पल द कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट रिलेशन इज फोर तो स्टूडेंट रिलेशन की कार्डीनलिटी क्या है फोर है फोर क्यों है क्योंकि इसके अंदर रोज कितनी है four. और यू कैन से टपल्स कितनी है फोर तो so, इस टेबल की कार्डीनलिटी क्या है फोर कार्डिनलिटी फोर क्यों है क्योंकि नंबर ऑफ टपल्स इनर टेबल इनर रिलेशन इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन ओके नाउ वी हैव डिग्री ऑफ रिलेशन द नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज नॉन एज द डिग्री ऑफ रिलेशन ठीक है एक टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं ओके okay? और यू कैन से जितने एट्रीब्यूट होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है उनको डिग्री ऑफ ऑफ टेबल और यू कैन से डिग्री ऑफ रिलेशन कहा जाता है राइट तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स है स्टूडेंट आई डी वन कॉलम नेम टू फोन थ्री एंड डी ओ बी फोर तो यहाँ पे डिग्री स्टूडेंट रिलेशन की डिग्री क्या है फोर ठीक है तो डिग्री क्या होती है जितने कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर और यू कैन से रिलेशन के अंदर उसको क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ रिलेशन वाइन नी है डोमेन क्या होता है पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम अपियरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन ओके इसका क्या मीनिंग है टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं या यू कैन से जितने भी एटीब्यूट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर डोमेन होता है डोमेन क्या होता है डोमेन एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है राइट right? ओके okay, डोमेन क्या है एक सेट ऑफ वैल्यूज है वो कॉलम उन पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज से ही अपनी वैल्यूज को लेता है ठीक है यहाँ पे लिखे ना दोमेन इज पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपियरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन मतलब इससे लेता है ठीक है तो जितने भी इसके अंदर कॉलम्स होते हैं उनका एक डोमेन होता है और वो क्या करते हैं अपने पर्टिकुलर डोमेन से ही वैल्यूज को एक्सेस करते हैं वैल्यूज को लेते हैं तो आईडी का डोमेन होगा वो आईडी जो भी वैल्यूज होंगी वहां से वैल्यूज लेगा नेम का डोमेन होगा वो नेम जो भी वैल्यूज होंगी उस पर्टिकुलर सेट में वहां से वैल्यू लेगा क्लास अपने पर्टिकुलर डोमेन से वैल्यू लेगा ओके तो ये डोमेन क्या है पूल ऑफ वैल्यू मतलब एक पूल है वैल्यूज का यू कैन से सेट सेट ऑफ ऑफ वैल्यूज 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 है एक है जहां से एक नंबर जहां पर्टिकुलर कॉलम अपनी को एक्सेस करेगा ठीक है इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज डेट एन एट्रीब्यूट में कंटेन और इसके अंदर वो सारी वैल्यूज होती है जो एक पर्टिकुलर फील्ड को चाहिए फाइन फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन टेबल स्टूडेंट डोमेन फॉर द जें डोमेन फॉर द फील्ड जेंडर कंटेन्स टू वैल्यूज अब देखो जेंडर के अंदर का डोमेन है सिर्फ दो ही वैल्यू यहाँ पे कंटेन कर रहा है फीमेल और मेल ठीक है बिकॉज मेल एंड फीमेल आर द टू पॉसिबल वैल्यूज दैट इट में कंटेन क्योंकि जेंडर फील्ड में इस ए, ये दो ही वैल्यूज क्या है इस, इसको दो ही वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है फीमेल एंड मेल की तो जो इसका डोमेन है वो दो ही वैल्यू को कंटेन कर रहा है मेल एंड फीमेल फाइन समझ आ गया डोमेन क्या होता है डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस इट्स वैल्यूज फाइन नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेशन जो हमने अभी किया है क्या होता है रिलेशन रिलेशन इज द टेबल इन विच डेटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओके रिलेशन क्या है टेबल है जिसमें हम डेटा को रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं ओके इन द गिवन स्टूडेंट रिलेशन यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन है देर आर फोर टपल्स ओके फोर टपल्स हैं मतलब फोर रोज है इसलिए कार्डिनेलिटी भी क्या है फोर है ठीक है कार्डिनेलिटी क्या होता है नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन एंड फोर एटीब्यूट्यूट फोर एटीब्यूट फोर कॉलम्स ओके इसलिए डिग्री क्या है डिग्री क्या होती है नंबर ऑफ कॉलम्स इन रिलेशन तो डिग्री हमारे यहाँ पे क्या है फोर ओके स्टूडेंट आई डी नेम फोन नंबर एन डी ओ बी आर द एटीब्यूट नेम ओके और यहाँ पे ये वाले, जो स्टूडेंट आई डी नेम फोन एन डी ओ बी क्या है एटीब्यूट के नेम है ओके सोल्यूशन इज वॉट इट इज अ टेबल Right, and why we called it relation because in relational database, all the tables are related to each other. Now we have database keys. ओके कीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस ठीक है कीज़ क्या है कीज़ क्या होते हैं कॉलम्स होते, होते हैं फील्ड्स होते हैं ठीक है और ये रिलेशनल डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं दे आर यूज टू स्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स रिलेशनल डेटाबेस की क्रेटिस्टिक्स क्या है इसके अंदर जितनी भी टेबल्स होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है तो जो ये रिलेशन स्टेब्लिश करने का जो काम होता है वो किसका काम वो वो कौन करता है वो कीज़ करती हैं राइट right?

ट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन ओके तो प्राइमरी की वो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट होते हैं जो क्या करते हैं टेबल की रिकॉर्ड्स को टेबल की टप्पल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है एक दूसरे से अलग करते हैं ठीक है एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आई डी इज द प्राइमरी इन स्टूडेंट रिलेशन तो ये क्या कह रहा है देखो एग्जाम्पल स्टूडेंट आई क्या है प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में ठीक है अब मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देती हूँ जैसे हमारी क्लास जैसे हम क्लास होती है क्लास के अंदर इट इज क्वाइट ऑफ फन कि दो स्टूडेंट या जो थ्री स्टूडेंट हों उनका नेम सेम होके बट हाउ दे आर डिफ्रेंशिएटेड दे आर डिफरेंशिएटेड बाई द रोल नंबर ठीक है हम उनको कैसे कैसे अलग पहचान पहचानते हैं उनके रोल नंबर से बिकॉज रोल नंबर क्या होता है टू स्टूडेंट्स का रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होगा ओके okay? तो जब अगर टीचर उनका उनसे रिलेटेड कोई टेबल बनाती है डेटा स्टोर करती है तो वो क्या करेगी रोल नंबर की बेसिस पर आ, उनको उनका डिटेल्स स्टोर करेगी राइट तो यहाँ पे रोल नंबर क्या बन जाएगा रोल नंबर वाला कॉलम क्या बन जाएगा वो प्राइमरी की बन जाएगा ठीक है प्राइमरी की क्या होता है वो कॉलम होता है और आप कह सकते हो वो फील्ड होता है वो एट्रीब्यूट होता है ठीक है जिसके अंदर यूनिक डेटा स्टोर होता है फाइन और उस यूनिक डेटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं रोज को एक दूसरे से और रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइन ओके okay? तो यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया है प्राइमरी की ठीक है ये स्टूडेंट आईडी में क्या है यूनिक डेटा है ओके okay. और इसकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से अलग कर सकते हैं राइट right? फीचर्स ऑफ प्राइमरी की प्राइमरी की के क्या फीचर्स होते हैं आपको ये तो समझ आ गया ना प्राइम की की का मतलब क्या है कॉलम है फील्ड है ठीक है ओके तो प्राइमरी uh, की के क्या फीचर्स हैं जिस फील्ड uh, को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या करेक्ट्रिस्टिक्स होनी चाहिए राइट अब प्राइमरी की डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट और रिडंडेंट वैल्यू ठीक है प्राइमरी की जो कॉलम हम प्राइमरी की बना रहे हैं ठीक है थीके? उसके अंदर कोई भी ठीक है कोई भी फील्ड uh, कोई भी पर्टिकुलर uh, उसका जो सेल uh, है राइट right? वो क्या हो डुप्लीकेट डेटा कंटेन नहीं करता प्राइमरी की की ये होती है कि प्राइमरी की जो भी कॉलम आप प्राइमरी की बना रहे हो उसके अंदर आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते हो ठीक है अगर रोल नंबर ही सेम सेम हो गए तो क्या होगा वो रिकॉर्ड्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकती अगर दो बच्चों का रोल नंबर वन हो गया या दो बच्चों का रोल नंबर टू हो गया तो क्या हो गया uh, आप उनके रिकॉर्ड्स को ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते तो इसकी क्या करेटरिस्टिक्स है प्राइमरी की के अंदर आप डुप्लीकेट डेटा या रिडेंडेंट वैल्यूज रिडेंडेंट क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यूज रिडेंडेंट वैल्यूज नहीं डाल सकते प्राइमरी की इसको कंटेन नहीं करती है ठीक है जो फील्ड प्राइमरी की बनता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन नहीं करता है द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की इन एनी टपल कैन नॉट बी नल ठीक uh, है अब नेक्स्ट इसका क्या है के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती मतलब आप उसके किसी भी वैल्यू को, को आप जीरो नहीं बना सकते राइट ओके ओके वेन अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन प्राइमरी की ओके आप एक से ज्यादा कॉलम्स को भी क्या बना सकते हो प्राइमरी की बना सकते हो ठीक है जब हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स कंबाइन होकर प्राइमरी की बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन प्राइमरी की ओके तो प्राइमरी की कौन सा कॉलम है वो कॉलम है वो फील्ड है जिसके अंदर यूनिक डेटा होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं होती ओके okay? और जो हेल्प करता है टेबल के रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने में ओके okay? और जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स को कंबाइन करके प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की या कॉन प्राइमरी की कहते हैं राइट नेक्स्ट वी अ प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट की ओके okay. अब कैंडिडेट कीज़ क्या होती है कैंडिडेट कीज़ वो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है मतलब वो प्राइमरी की बन सकते हैं क्योंकि एज दी प्रोसेस ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी की क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी की की सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ठीक है जो प्राइमरी की क्राइटिस क्या होती है उसके अंदर अंदर डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा ना ना हो नल ना हो नल वैल्यूज राइट तो जितने भी कॉलम्स के प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी होती है उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं राइट अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल इन स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आई रोल नंबर एंड ई मेल आर थ्री कैंडिडेट की तो यहाँ पे हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं और थ्री और यू कैन से थ्री एटीब्यूट हैं जिनमें से जि, जिनमें से जिन जिनके अंदर प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है स्टूडेंट आईडी के अंदर भी यूनिक डेटा है और नल वैल्यूज नहीं है रोल रोल नंबर के अंदर भी यूनिक डेटा है नल वैल्यूज नहीं है ईमेल e के अंदर भी यूनिक डेटा है और नल वैल्यूज नहीं है राइट right? तो इन तीनों फील्ड्स के अंदर क्या है प्राइमरी की बनने की कैपेबिलिटी है इसलिए हम इन तीनों फील्ड्स को क्या आ, कहते हैं कैंडिडेट की ये तीनों क्या है प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट हैं

जब हमारे पास बहुत सारी कैंडिडेट होती हैं, ओके तो इस केस में डेटाबेस एनालिस्ट डिसाइड करता है कि कॉलम कौन सी, कौन सी को या ग्रुप ऑफ कॉलम को प्राइमरी की बनाना है फाइन तो आपको समझ आ गया कैंडिडेट कीज कौन सी होती है कैंडिडेट कीज वो कॉलम्स होते हैं वो एटीट्यूट होते हैं जिनके अंदर प्राइमरी की बनने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइन कैंडिडेट की विच इज नॉट चूजन एज प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की ओके तो अभी हमने देखा था कैंडिडेट कीज कौन सी होती है जो प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल होती है ठीक है तो आउट ऑफ कैंडिडेट कीज वन इज चूज्ड एज़ प्राइमरी की जितनी भी कैंडिडेट कीज थी उनमें से हमने एक को या एक से ज्यादा के ग्रुप को क्या बना दिया प्राइमरी की बना दिया ओके okay? तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज बची बच गई हैं जो रह गई हैं ठीक है वो अब क्या बन जाएंगी अल्टरनेट कीज बन जाएंगी जैसे हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी स्टूडेंट आईडी रोल नंबर और ईमेल राइट उसमें से आपने स्टूडेंट आईडी को बना दिया स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की ठीक है स्टूडेंट आईडी को आपने बना दिया प्राइमरी की तो अब हमारे पास दो कैंडिडेट्स बच गए रोल नंबर और ईमेल ओके तो अब रोल नंबर और ईमेल क्या बन गए हैं ये दोनों बन गए अल्टरनेट की ठीक है हमारे पास तीन कैंडिडेट कीज थी जिसमें से एक को हमने चूज कर दिया प्राइमरी की तो जो बाकी के कैंडिडेट कीज़ बच गए जो रह गए उनको अब हम क्या बोलेंगे अल्टरनेट कीज समझ आया ठीक है कैंडिडेट कीज में से आपने प्राइम प्राइमरी की को माइनस कर दिया तो आपके पास बच गया अल्टरनेट की स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट आई डी रोल नंबर an आर थ्री कैंडिडेट कीस हमारे पास तीन कैंडिडेट कीस थी आउट ऑफ देम स्टूड आईडी बिकेम द प्राइमरी की स्टूड आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया सो रोल नंबर एंड ईमेल बिकेम द अल्टरनेट कीस ठीक है जब हमने स्टूड आईडी को प्राइमरी की बना दिया तो रोल नंबर और ईमेल अब हमारे क्या बन गए अल्टरनेट कीस फाइन ओके समझ आया जब कैंडिडेट कीस में से प्राइमरी की को चूज कर लिया जाता है तो जो बाकी बची हुई कैंडिडेट कीज होती हैं उनको वो क्या बन जाती हैं वो बन जाती है ओके नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की ओके नो व्हाट इज फॉरेन की की हुज़ वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इज नोन एज फॉरन की इन टेबल फॉरन की क्या होती है फॉरन की वो कॉलम होता है जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं समझ आया फॉरन की वो कॉलम है वो फील्ड है ठीक है वो एट्रीब्यूट है जिसका डेटा जिसकी वैल्यूज हम किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लेते हैं इस टेबल के अंदर ये क्या है प्राइमरी की नहीं है ठीक है बट हम इसका जो डेटा ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ले रहे हैं ओके तो इस करेंट टेबल के अंदर इसको हमने क्या नेम दे दिया फॉरन की फॉरन की कौन सी की होती है दैट एक्सेस दैट टेक्स इज डेटा फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल ओके इन अदर वर्ड्स अ नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल विच इज द प्राइमरी की की ऑफ सम अदर टेबल इज एज इसको ये भी बोल सकते हैं एक टेबल का नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की एट्रीब्यूट मतलब जो कोई की नहीं है ठीक है लेकिन दूसरे टेबल में वो क्या है प्राइमरी की है फाइन उसको हम क्या बोलते हैं फॉरन की ओके सिंपल वर्ड्स में आप समझो ऐसा ऐसा फील्ड ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यूज किसी और टेबल के प्राइमरी कीज से क्या हो रही है एक्सेस हो रही है ड्राइव हो रही है तो उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे फॉरेन की बोलेंगे ठीक है तो स्टूडेंट आई डी डिपार्टमेंट टेबल का क्या है फॉरन की सिंस इट्स वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल स्टूडेंट इसको फॉरन की हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हम कहा से ले रहे हैं इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की से फाइन अ टेबल विच कंटेन्स प्राइमरी की इज कॉल प्राइमरी टेबल और मास्टर टेबल ठीक है जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसको हम प्राइमरी टेबल कहते हैं ओके और मास्टर टेबल भी आ, कह सकते हैं राइट एंड टेबल विच कंटेन्स फॉरेन की इज कॉल फॉरन टेबल और डिटेल टेबल और जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होते हैं फॉरन की होती है उसे आप फॉरन टेबल भी बोल सकते हो और डिटेल टेबल भी बोल सकते हो ओके okay? समझ आया तो फॉरेन की क्या है फॉरेन की वो फील्ड है वो कॉलम है जिसका डेटा कहाँ से एक्सेस हो रहा है कहाँ से ड्राइव हो रहा है किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है राइट right? ओके okay? तो इसके अंदर एक एक और कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आता है मतलब कुछ कंस्टेंट्स जब हम ऐसे फॉरेन की बनाते हैं तो कुछ कंस्टेंट यूज़ करते हैं कि प्राइमरी की और जो फॉरेन जो प्राइमरी टेबल होती है और फॉरेन टेबल होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है फेन दे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं फाइन सो वी विल डू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लेटर ऑन अभी आप सिर्फ इतना समझो कि फॉर्न की क्या होती है फॉर्न की वो कॉलम uh, है जिसका डाटा uh, किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस हो रहा है राइट ओके फाइन ओके चिल्ड्रन नाउ हेयर वी हैव डन रिलेशनल डेटा मॉडल नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक ओके टिल देन कीप स्टडींग एंड बी सेफ